आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये जो होगा DJI RS Mini 3 गिम्बल है, उसके साथ जो स्लिंग हैंडल या साइड में जो हैंडल लगता है, तो वो कौन सा सही रहेगा, कौन ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी फ़िलहाल मार्केट में आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो आप स्मॉल रिग का ले सकते हो, या फिर आप DJI का RS जो आता है स्लिंग हैंडल, या ब्रीफकेस हैंडल जो बोल लो, वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा कि ये पर्टिकुलरली इसके लिए बना है। अब DJI RS 3 जो है उसके लिए है, RS 2 के लिए है, ये सब गिम्बल्स के लिए ओके, मतलब कि यूज़ कर सकते हो आप। लेकिन DJI RS Mini 3 जो गिम्बल है उसके लिए कहीं मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि ये मॉडल अभी तुरंत आया, ये जो गिम्बल है अभी तुरंत आया, और ना ही स्मॉल रिग मेंशन करता है, ना ही DJI मेंशन करता है कि आपको इस हैंडल ये इस गिम्बल के साथ कॉम्पैटिबल है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको मैं बता सकूँ कि क्या ये जो मैं ब्रीफकेस हैंडल या स्लिंग हैंडल जो है, क्या ये इसके साथ कॉम्पैटिबल होगा ये नहीं। तो ये एक अनबॉक्सिंग टाइप का वीडियो भी होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है, ये स्मॉल रिग यहाँ लिखा हुआ है, एक अच्छा सा लोगो बना हुआ है, और स्मॉल रिग बिग ड्रीम्स ऐसे यहाँ पे स्टिकर्स है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन सब चीज़ दिया हुआ है। तो आपको किस इस तरह के बॉक्स में डिलीवर होता है आपको स्मॉल रिग मैंने परचेज़ किया है। चलिए इसे ओपन करते हैं। तो ये ओपन करके कुछ इस तरह का दिखता है, तो साइड कर देते हैं। इस तरह का बॉक्स है ये। और ये आ गया हमारा स्मॉल रिग का हैंडल। तो ये बबल रैप किया हुआ है, दो पार्ट्स में ऐसे डिलीवर हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस बॉक्स को साइड कर देते हैं, तो कुछ इस तरह का है ये, और उसका दूसरा पार्ट जो है कुछ इस तरह का। एक चीज़ जो मुझे आपको बताना है मुझे कि इसके साथ इन्होंने और कुछ नहीं दिया है, ना ही कोई मैनुअल, ना ही कुछ भी, कोई भी पेपर या फिर कुछ मैनुअल, कुछ इस तरह का ऐसे कोई भी प्रोडक्ट के साथ मिलता है, लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। सिर्फ ये दोनों को बबल रैप करके बस दे दिया गया था, तो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो चलिए इसे लगा लेते हैं। तो ये सेट हो गया। अब मेन क्वेश्चन है कि क्या ये इसके साथ कॉम्पैटिबल है या नहीं है। ऐसे तो इस प्रोडक्ट के पेज पर भी आप जब जाओगे, ऐसे मैं लिंक दे दूंगा इसका, कहाँ से आप बाय कर सकते हो, अमेजन का लिंक दे दूंगा मैं। लेकिन उसके प्रोडक्ट पे भी जाओगे तो ये आपको कहीं भी मेंशन नहीं करेगा कि ये DJI RS Mini 3 के लिए है। तो चलिए पहले इसे लगा लेते हैं। इसको सबसे पहले काम है, इसको पहले लूज़ कर लेना है, और इसको इस बटन को आपको प्रेस करना है ऊपर की तरफ, ठीक है।
और तब जाके इसको इस यहाँ पे इस तरह से ये बैठ जाएगा। उसके बाद आपको ये जो साइड में इसका नॉब दिया हुआ था उसको टाइट कर लेना है। एक बार टाइट हो जाएगा तो यस, तो ये फिट हो गया ये अच्छे से। तो देख के तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है और काफ़ी स्टडी फील हो रहा है। ये देखो, मैं सिर्फ ये पकड़ के भी उठा सकता हूँ और कभी ऐसा नहीं लग रहा है कि खुल के गिर जाएगा, या तो काफ़ी अच्छे से फिट हो गया। बस दिक्कत मुझे ये आ रही है कि ये जो स्क्रीन है, ये जो आपका स्क्रीन है, ये इसके ऊपर थोड़ा ओवरलैप कर गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप यहाँ से इसका एंगल चेंज करके करने के लिए इसको ये भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप ये कर सकते हो। तो ये जो स्मॉल रिग का है वो काफ़ी अच्छे से ये फिट हो गया है। आप आराम से इसे लो एंगल फोटो वीडियोग्राफी या आप एज अ सपोर्ट यूज़ कर सकते हो इसे। अब चलिए बात करते हैं कि मैंने ये स्मॉल रिग ही क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास DJI का RS भी हैंडल जो आता है वो भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने स्मॉल रिग ही क्यों लिया, तो उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ। निकालने के लिए भी सबसे पहले आपको इस नॉब को यहाँ दिखाता हूँ, इस नॉब को आपको लूज़ करना होगा। नॉब लूज़ हो गया, अब ये वापस से प्रेस और ये निकल गया आराम से, ठीक है। तो मैंने इसे ही क्यों चूज़ किया, तो सबसे पहला बात, इसका जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा है DJI RS का जो हैंडल आता है उससे कंपैरिजन में। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे पोर्ट्स दिए गए हैं, जो कि इन फ्यूचर अगर आप और अपने इस रिग को बढ़ाते हो या फिर और कुछ लगाना हो आपको, तो ये आप आसानी से इसमें पुट कर सकते हो। जबकि इतने सारे पोर्ट्स दिए गए हैं, लेकिन DJI RS का जो हैंडल है उसमें इतने सारे पोर्ट्स नहीं है। तीसरा चीज़ जो है वो इसका, आप ये देख सकते हो जो इसके थ्रेड्स कह लो या टीथ्स कह लो, तो ये पूरा मेटल का बना हुआ है। और यहाँ पे आपको ऐसा है कि फिर को ध्यान से दिखाता हूँ खोल के पूरा, ये देखो पूरा मेटल का बना हुआ है। और ये आपको कोई भी एंगल, आपको थोड़ा सा भी माइनर एडजस्टमेंट करना हो या थोड़ा सा भी इसको इधर करना हो तो ये आप कर सकते हो उसमें। जबकि DJI RS का जो हैंडल है उसमें इस तरह का इतने सारे थ्रेड्स नहीं है, वो आपको या तो यहाँ रखोगे फिर यहाँ रखोगे या ऐसे यहाँ रखोगे, इस टाइप से रहेगा। तो एक ये भी चीज़ है। दूसरा चीज़ है एक एडिशनल सपोर्ट रहता है यहाँ पर, ये जो एक आपको बटन दिया गया है कि इससे आप कि गिरेगा नहीं आपका, मे बी अगर लूज़ भी रहे ये वाला तब भी आपका ये गिरेगा नहीं। और एक थोड़ी सी दिक्कत इस बात की है, क्योंकि आपको जब भी आप गिम्बल RS 3 देखोगे या फिर RS 2, तो ये जो पोर्ट है वो आपके इस तरफ दिया हुआ है, लेकिन Mini 3 में ये जो पोर्ट जो है आपका ये वाला, ये आपका पोर्ट लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है, इस साइड लेफ़्ट साइड में, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन ये आपको इसको यूज़ करने में मतलब कि काफ़ी अच्छे से फिट हो जा रहा है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये स्मॉल रिग का जो हैंडल है ये काफ़ी ज़्यादा